ऐसा लगता है कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। ये यूज़ारज़ीफ की सनद फरोख्त है बानो हुज़ूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूज़ारज़ीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूज़ारज़ीफ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके रुमरा के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका ये ताज़ीम करना अज़रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आप ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़रुए एहतराम हो? इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसके मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मग़रूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के नहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मक्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन सात दरवाजों से जहाँ से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन सात दरवाजों पर मजबूत कुफल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है, और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है, और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है, और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खमोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे, कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है, और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोलनिश बजा लाना है। और वो है सूफर जना पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफा और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है।
मुझे यूसुफ को निजात दिलानी होगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। क्या यूसुफ किसी कैदोबंद या जंदान में है जो उसे निजात दिलाओगे? मगर फिर भी वो एक गुलाम है। लेकिन इस पुरशिको कसर में उसका हुलिया गुलामों का सा नहीं था। अगर किसी परिंदे का कफस खूबसूरत हो तो क्या वो परिंदा असीर नहीं है? मैं उस वक्त तक मिस्र को तर्क नहीं करूंगा जब तक यूसुफ को याकूब नबी के पास न ले जाऊं। लेकिन तुमने देखा कि अजीज़ मिस्र और उनकी मलका यूसुफ को किस कदर चाहते हैं? लेकिन याकूब नबी जितना नहीं। मुझे यकीन है कि वो यूसुफ की जुदाई की आग में जल रहे होंगे। लेकिन मालिक, यूसुफ ने बताया था कि उसका मिस्राना इरादा खुदाबंदी के तहत है। ये मेरा आखिरी तिजारती सफर था। तुम जल्द से जल्द माल तिजारत फरोख्त करके बाबल वापस लौट जाओ। ये खिदमतगारों और गुलामों का रिहायशी हिस्सा है। इनमें से कुछ तो कसरे पुतिफार के कारीगर हैं और कुछ या तो कसर के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं या कपास और नर्सल के खेतों में काश्तकारी करते हैं। इनमें से अक्सर मर्द और ख्वातीन इस वक्त मसरूफ कार हैं। इनमें से हर एक कमरे में एक खानदान रिहायश पजीर है। ये लोग इतनी मुफलिसी और बदहाली का शिकार क्यों हैं? जनाबे पुतिफार इन पर कोई तवज्जो क्यों नहीं देते? टिप्स में दीगर खिदमतगार, गुलाम और मजारे वगैरह बनिस्बत इनके कहीं बदतर हालत में हैं। हम इन्हें रहने के लिए मकान और मुनासिब गुज़ा फराहम करते हैं और इनकी और इनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। क्या मैं कभी कभी इनसे मिलने आ सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि बानो जुलेखा और आली जनाब पुतिफार से इजाज़त ले। ये गुलाम हमालियां उठाने के लिए मखसूस हैं। चलो। यहाँ पर नर्सल से कागज तैयार किया जाता है। दूर पर आले जनाब होनी पर नर्सल किताबत के काम आता है। हम तो किताबत के लिए हैवानात की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों की खाल से कहीं बेहतर होता है। तुम लिखना जानते हो? जिसने मुझे खल किया है उसी ने लिखना भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छा है। जो गुलाम लिखना जानता है वो उसके मालिकों के लिए बड़ी नेमत है। क्या कहा तुमने, किससे सीखा है? उस मुरब्बी से जो मेरा मुख्तार है, वो तमाम ज़बानें जानता है। ये अच्छी बात है। चले
यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलिया ने कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानू जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में नहायत नफीस और खूबसूरत कपड़ा तैयार किया जाता है। चलो ये कारखाना है सफालगरी। दुरूद पर आली जनाब हुनीफर। आब रसानी की चंद नालियां सवारी गुजरने की वजह से टूट गई, उन्हें तब्दील करना है। इस नाप का है ना जनाब? हाँ हाँ इसी नाप का है। इनके तैयार होते ही तब्दील करा दूंगा। ठीक है। ये अनाज का गोदाम। बावर्ची खाने की जरूरत की तमाम अशियाए खुर्दनोश की निगहदारी यहां होती है। तुम्हारे हवास कहां हैं? ठीक से काम करो। याद रहे आज के बाद जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए और कोई सवाल ना किया जाए जवाब नहीं दोगे। जुलेखा एक मुतकब्बिर खातून है और बसा औकात दरबारियों की तरह सख्त गिर और बेरहम भी हो जाया करती हैं। ये कसर का बावर्ची खाना है। यहाँ मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ गिज़ाएँ तैयार की जाती हैं, खिदमतगारों और ग़ुलामों के लिए अलग, कसर के मुंतज़मीन और मसूलीन के लिए अलग, और जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के लिए खाने का अलग एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ कस्म की गिज़ाएँ क्यों? क्या सबके लिए एक ही किस्म का खाना तैयार नहीं किया जा सकता? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा गुलामों और खिदमतगारों के बराबर तो नहीं है ना? ये युजार शेफ, आज से युजार शेफ गुजा की तकसीम में आपकी मदद करेगा। युजार शेख पढ़ना लिखना जानता है, चुनाचे उस फहरिस्त के तहत जो हम उसे देंगे हर शोबे को उसकी तादाद के मुताबिक गजा तकसीम करेगा। देख रहे हो किस इश्तियाक से तुम्हें देख रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी खातिर यहां जमा हुए हैं। यहां क्या कर रहे हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करते? जाओ अपना काम करो, अपना काम करो। ये कसर का इबादत खाना है। पुतिफार और बानो जुलेखा और दीगर अहलिया ने कसर यहाँ इबादत करते हैं। हम अपने खुदाओं की यहाँ निगहदारी करते हैं। यानी आपके खुदा जाओ मकान के मोहताज हैं? तो जाहिर है, धूप और बारिश में जेर आसमान तो नहीं होना चाहिए ना?
درود بر جناب حنیفر پیشکار اعلی، عموماً قصر کے دورے کے لیے صبح کا وقت مخصوص ہے، آج خلاف معمول اس وقت کیسے؟ یہ زہر شیف کو قصر دکھانے کے لیے لایا ہوں، میں نے چاہا کہ وہ قصر اور اہلیان قصر سے آشنا ہو جائے۔ کیا ہو گیا ہے؟ قصر سے کچھ جواہرات چوری ہو گئے ہیں، یہ قصر کے داخلی دربان ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ دونوں کو ہی نگہبانوں اور ساکنان قصر کی عبرت کے لیے تختہ دار پر چڑھا دو، اگر اقرار نہ کریں تو حتماً ایسا ہی کرو۔ میں نے بالکل چوری نہیں کی ہے، میں بے قصور ہوں۔ اس طرح تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جناب حنیفر، خداؤں کی قسم میرا کوئی قصور نہیں، سب جانتے ہیں میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اصل میں جس روز چوری ہوئی وہ میری نگہبانی کا دن نہیں تھا، پتہ نہیں یہ مجھے کیوں پکڑ کر لائے ہیں۔ آخر کار تو ہمیں مجرم کا پتہ چل ہی جائے گا، بہتر ہوگا کہ خود ہی اقرار کر لو اور مسئلے کو یہیں ختم کر دو۔ اس کا کہنا ہے کہ تم اس کا دھیان بٹتے ہی اس کی ماموریت کی جگہ پر داخل ہوئے تھے۔ میں اس کی ماموریت کی جگہ پر؟ یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ غلطی ہو گئی، میں مجبور تھا، اس طرح بتاؤں کہ چل لمحوں کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ یعنی اس قصر میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جس نے مجھے دیکھا ہو۔ نگہبان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے دوران نہایت ہوشیار اور چوکنا رہے، تمہیں سونا نہیں چاہیے تھا۔ تم خطاکار ہو، تم نے ایک تو اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی اور دوسرا یہ کہ تمہارا کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن عالی جناب، میں چور نہیں ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ مجھے افسوس ہے، نینیفر کپتا کو آزاد کر دو اور اس کو زندان میں ڈال دو۔ عالی جناب، میں چور نہیں ہوں، خداؤں کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے، مجھ پر رحم کریں۔ تم پر خداؤں کی لعنت ہو نینیفر، تم پر خداؤں کا قہر ٹوٹے، انہیں حقیقت کیوں نہیں بتا دیتے؟ منہ بند کرو۔ عالی جناب، میں چور نہیں ہوں، سچ کہتا ہوں، میں نے چوری نہیں کی ہے۔ عالی جناب، میں چور نہیں ہوں۔ میں چور کی شناخت کر سکتا ہوں۔ نہیں برخوردار، یہ تمہارا کام نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ چور کی شناخت ہو؟ کیوں نہیں، تم کیسے چور کی شناخت کرو؟ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے، وہ فیصلہ دینے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تمہیں یقین ہے؟ جی جناب حنیفر، آپ چاہیں تو آزما لیں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ چور کون ہے، بہتر ہوگا اعتراف کر لیں اور اپنے جرم کو مزید سنگین نہ کریں۔ اصل میں جس دن قصر سے جواہرات چوری ہوئے میں پیرے پر تھا ہی نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے چوری نہیں کی، میرے پاس گواہ بھی نہیں، لیکن میں نے نینیفر کو جواہرات کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ بے گناہ کون ہے میں جانتا ہوں، تم خوف میں مبتلا مت ہو، اور گناہگار کو بھی خوب پہچانتا ہوں، جلد یہ سب بھی اسے پہچان لیں گے۔ میں جناب حنیفر سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے ہی گناہگار کی نشاندہی کروں فوراً اس کی گردن اڑا دی جائے۔ مجھے بس اس کا پتہ چل جائے، رودامون تیار کھڑا ہے۔ میں اسے مہلت نہیں دوں گا، بس ایک اشارے کی دیر ہے۔ جناب رودامون، ان دونوں کو اس باغیچے کے سامنے میں دو زانوں بٹھا دیں۔
इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो। एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ़ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाबे रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ाते हैं। नहीं नहीं, मैं इकरार करता हूं कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी एतराफ कर लोगे। आफरीन यजार सिर्फ, आफरीन। ले जाओ इसे। आफरीन बरखुर्दा, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ इजार सिफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना जहीन और होशियार है, देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और जहीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है, कैसे इस बच्चे ने यह मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी के अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युजार शेफ की इस तरकीब ने सबको बरताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अकलमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस ग्रां कदर हदीये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। यजार सिर्फ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गजा नहीं ले जा सकता। यजार सिर्फ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखे गई मकदार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से कम नहीं। यजार सिर्फ के कयाम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है। नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था, ये बताओ युजार सिर्फ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाजत फरमाए तो मैं चाहूंगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कस्र में गुलाम की मौजूदगी कस्र के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंदे कस्र जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इजहार ख्याल का कोई हक नहीं। Thank you.
جزار شیف میرے بیٹے میری کوئی اولاد نہیں ہے تم مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھو اور کوئی بھی مشکل ہو تم مجھ سے کہنا شکر گزار ہوں بیچارے میرے بابا، خدا انہیں صبر دے۔ سنو اے کنان کے بھیڑیوں، میں تم سے مخاطب ہوں، خاموش کیوں ہو؟ بابا، کیا بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں میرے بچے، لیکن اگر خداوند چاہے تو میری بات کا جواب ضرور دیں گے۔ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹا، آ گئے۔ آخر تم لوگوں نے اپنے بھائی پر کیا آفت ڈھائی ہے؟ تم بتاتے کیوں نہیں لاوی؟ بابا وہ بھیڑیے، جھوٹ بولتے ہو۔ بھیڑیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے بتایا کہ انہیں یوسف کی کوئی خبر نہیں۔ بھیڑیے نے؟ بابا جان، بھیڑیے نے کس طرح انکار کیا؟ میں نے بھی سنا ہے، بھیڑیے نے بابا سے باتیں کی، بتایا کہ یوسف کو ہم نے نہیں کھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے بتا دو کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ہمیں خود نہیں پتا، بہت ڈھونڈا۔ بھیڑیے، بھیڑیوں پر تہمت مت لگاؤ، جو کچھ کیا ہے تم بھیڑیا صفتوں نے کیا ہے۔ آؤ توبہ کر لو اور حقیقت بتا دو۔ خدا ہر کسی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، بالخصوص ان لوگوں کو جن کے قلوب پتھر کے ہو جائیں۔ خدا نگہبان مالک، پھر ملیں گے۔ خدا نگہبان۔
युजार सेफ को यहाँ लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं हूंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मां बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो यह कि अब रिश्ता इज़दवाज़ पे मुंसलिक हुए चंद साल ही हुए हैं, क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिबे औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाबे पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ, और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने युजार सेफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसर्रत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़के मेरी खुशी का बाइस नहीं। युजार सेफ को भी चूंकि आप कह दिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साबे औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी युजार सेफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो सुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज युजार सेफ ने चोर की शनाख्त के लिए जो चाल चली है उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ युजार सेफ की फेम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे युजार सेफ ने नैनीफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो।